हाय फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों अनुपमा टीवी सीरियल में अब काफ़ी कुछ ड्रामा आपको देखने को मिलने वाला है एपिसोड की शुरुआत होती है गुरु माँ से जो कि नींद में बेटा बेटा कहती रहती है वहीं इस बात को सुनकर अनुज को गुस्सा आ जाता है वो कहता है कि वो मुझे बेटा बेटा क्यों बोल रही है अनुज बोलता है कि गुरु माँ को यहाँ से वापस भेजो मुझे वो यहाँ नहीं चाहिए अनुपमा कहती है कि गुरु माँ के परिवार वालों को ढूंढते हैं वहीं इस बीच अनुपमा पाखी को अधिक के बारे में समझाएगी वो कहती है कि क्यों तू तो अधिक के पीछे चलती है उसके बराबर नहीं वो पाखी से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैरिज काउंसलिंग के लिए जा सकती हो अनुपमा इसके बाद डांस स्कूल चली जाती है और वहाँ मौजूद स्टाफ से गुरु माँ का सामान ढूंढने को कहती है इसी बीच लीला की किचन में तबीयत खराब हो जाती है ऐसे में हसमुख किचन में जाता है और देखता है कि लीला बेहोश पड़ी हुई है तभी काव्या वहाँ पहुँचती है और लीला को बचाती है हंसमुख हाँ लीला की यह हालत देखकर काफी इमोशनल हो जाता है वो बोलता है कि सारा काम खुद करती है बिना अपनी चिंता किए अनुपमा भी ऐसी ही है ये दोनों सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर रखते हैं फिर चाहे कंधों में दम हो या ना हो वहीं हंसमुख वनराज से कहता है कि काव्या की वजह से लीला की हालत ठीक हुई वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करना है लेकिन काव्या ने अपनी सूझबूझ से लीला को संभाल लिया वनराज फिर काव्या को देखने लग जाता है तभी लीला को होश आता है और फिर वो काव्या को थैंक यू बोलती है

अनुपमा को अभी पूरी तरीके से ये बात नहीं पता कि अनुज ही मालती देवी का बेटा है लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट और उसके बाद जब वो इसकी तफ्तीश करेगी तो उसके सामने कई राज खोलेंगे क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं माँ को पता चल जाता है कि उसका बेटा या उसकी संतान कौन है तो ऐसे में गुरु माँ जो कह रही है अनुज को बेटा बेटा उसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले एपिसोड में या आने वाले समय में आपको ये बात साबित होते हुए दिखेगी कि गुरु माँ का बेटा ही अनुज है फिलहाल तो और ज़्यादा गहराई में जाकर तलाश करने वाली है कि आखिर उनका बेटा है कौन दूसरी तरफ वो पाकी को समझा रही है कि अधिक नहीं सुधरने वाला इसीलिए किसी मैरिज काउंसलर के पास जाना चाहिए ताकि तुम दोनों के बीच सब कुछ सही हो सके लेकिन पाकी तो अधिक के प्यार में अंधी है शायद उसे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आने वाले वक्त में बरखा और अधिक उसके खिलाफ बड़ी साजिश रच सकते हैं फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा मिल दोगे वीडियो के साथ वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा गुड बाय।